हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड ने बिहार एवं झारखंड में सुचारू रूप से कार्य करने के लिए पटना के रुकनपुरा स्थित सोनी टावर के तीसरे तल पर अपने राज्य कार्यालय बिहार एवं झारखंड का शुभारंभ किया। कार्यालय का शुभारंभ हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर एसपी मोहंती एवं राज्य प्रमुख गीतम सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। इसके पश्चात कार्यालय में पूजा कर प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर एसपी मोहंती ने कहा कि हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड का राज्य कार्यालय पटना में होने से कंपनी का सभी कार्य सुचारू रूप से करने में सहायता मिलेगी। 3 यूरिया प्लांट है जो कि आपका गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी, 3 जगह में 3 यूरिया प्लांट है जो कि टोटल 38 लाख टन यूरिया उत्पादन कर रहा है। आज बरौनी प्लांट, सिंदरी प्लांट और गोरखपुर प्लांट आने से जो पूर्वी भारत है, जो आपका बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पहले यूरिया का बड़ी किल्लत होती थी। किसान को जो है यूरिया अवेलेबिलिटी को लेकर बहुत दिक्कत था, जो कि ये प्लांट आने का बाद आज आप लोग भी जैसा विदित थे पिछले 1-1.5 साल से आप भी देखते होंगे कि यूरिया को लेके कोई देश में शॉर्टेज नहीं है और इस तरीके से सारे प्रदेश में जो है, बिहार प्रदेश बोलिए, झारखंड प्रदेश बोलिए, जब भी चाहिए वहां आपका यूरिया का अवेलेबिलिटी हो सकता है और उचित दाम में किसान का पास यूरिया अवेलेबल है। इसलिए आज ये कार्यालय जो हम लोगों ने उद्घाटन किया है, ये आगे चल के बिहार और झारखंड का किसान के लिए हर तरह का सेवा प्रदान करेगा। सिर्फ फर्टिलाइजर नहीं, जैसे कि प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सारे, क्योंकि आप जानते हैं कि रासायनिक यूरिया हो या अन्य फर्टिलाइजर का, रासायनिक फर्टिलाइजर का प्रयोग से देश में काफी चिंता का विषय अभी बना हुआ है कि जो जमीन का स्वास्थ्य जो खराब हो रहा है, इसको लेके बहुत ऊपर स्तर में भी काफी बहुत सारा चिंतन परामर्श हो रहा है, जिससे यही निष्कर्ष है कि सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर नहीं, उसका साथ साथ बायो और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर किसान को देना चाहिए ताकि जमीन का संतुलन ना बिगड़े और इस तरीके से जो है उत्पादन क्षमता जो जमीन का है, जो दिन पर दिन कमती हो जा रहा है, उसको भी बचाया जा रहा है। तो ये एचयूआरएल का ये ऑफिस से हमारे जो अधिकारीगण है, उन्होंने इस दोनों राज्यों का जो भी आपका किसान बंधु हो और हमारे यहाँ जो भी डीलर बंधु है, सारे आप देखे होंगे, प्लस हमारे यहाँ बहुत सारे जो है सहकर्मीगण, सारे कंपनियों का भी आज उपस्थित है। तो हम लोगों ने मिलकर इस ऑफिस को उद्घाटन किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे ये पूरा बिहार राज्य और झारखंड राज्य का काम पे हम लोग सदा तत्पर रहेंगे और एचयूआरएल अपना सर्विस यहां देता रहेगा।